हेलो फ्रेंड्स, सर कैड एंड कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हुए मेरा नाम इजाज़ अहमद है और मैं चैनल पर नए नए प्लान्स और नए नए डिज़ाइन आप लोगों के लिए डेली लाते रहता हूं। तो आज भी इस वीडियो में आपको एक प्लान और उसमें कॉलम लोकेशन भी मैंने शो किया है और इसके कुछ सेंटर लाइन के डायमेंशन भी आपको इस वीडियो में शो कर रहा हूँ। तो ये प्लान ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है और काफ़ी डिटेल के साथ मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो बस इस वीडियो में आपको शॉर्टली कहाँ पे कॉलम आना चाहिए और उसके सेंटर लाइन के डायमेंशन क्या है वो इस वीडियो में आपको शो करने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको प्लान शो करने से पहले, अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो जो भी अपलोड हो आपसे मिस ना हो। अगर आपका भी कोई पर्सनली प्लान वगैरह बनाना तो मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। प्लॉट की डिटेल्स और रिक्वायरमेंट क्लियरली बता देता हूँ, आने वाले वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं आपको प्लान बना के शो कर दूँगा। पर्सनली प्लान के लिए कुछ चार्जेस वगैरह है आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। और अगर आप यूट्यूब पे कुछ प्लान वगैरह सर्च कर रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप ज़रूर देखें, काफ़ी सारे मैंने प्लान बना के अपलोड किया है। कम से कम जगह में भी काफ़ी बढ़िया से बढ़िया प्लान मैंने सेट किया है और काफ़ी सारी कैटेगरीज में मैंने प्लान बना के रखा है। तो कमर्शियल, रेजिडेंशियल, अपार्टमेंट, बंगलो, ऐसे कुछ कैटेगरीज में मैंने सेपरेट सेपरेटली काफ़ी सारे प्लान बनाए हैं। आप एक बार ज़रूर जाके इस वीडियो को देख लें और उसमें कोई प्लान वगैरह पसंद है तो उसको शेयर ज़रूर करें ताकि किसी न किसी का फ़ायदा हो। तो चलिए मैं आपको इस प्लान के डिटेल्स शो करके इस वीडियो को ख़त्म कर देता हूँ। तो एक बार इस प्लान को आप देख लें तो यहाँ पे मैंने इसका इंट्रेंस दिया है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे इसका हॉल है और इस हॉल में मैंने यहाँ पे स्टेयरकेस वगैरह प्रोवाइड किया है जो कंटिन्यूसली फ्लोर फ्लोर कंटिन्यू होगा। तो इस हॉल में मैंने यहाँ पे दो तरफ यहाँ पे आर्च प्रोवाइड किया है जो इनसाइड आने के लिए यहाँ पे किचन की तरफ और यहाँ पे पूजा रूम की तरफ। और इस आर्च से इनसाइड आने के बाद में आपको दो बेडरूम के डोर्स लगेंगे और फ्रंट साइड में कॉमन WC बाथ का एक डोर लगेगा जिसका डायमेंशन भी आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। तो मैं इसके डायमेंशन आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में किया है। इस वीडियो में अगर मैं इसका सारा डिटेल अगर बोलता रहूँगा तो काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगा, तो बस आप स्क्रीन पर देख लीजिए। और इस प्लान को मैंने 9 कॉलम में सेट किया है एज़ पर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो इस प्लान को आप फाइनल करते हो, इस कॉलम लोकेशन के हिसाब से आप ऑन साइट पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो एक बार स्ट्रक्चरल से कांटेक्ट ज़रूर करें। प्लान और कॉलम लोकेशन शो कीजिए और स्टील की जो भी डिटेल है आप उनसे एक बार ज़रूर ले लें। तो चलिए अब मैंने आपको प्लान और कॉलम तो मैंने शो किया है और यहाँ पे आउटर से आउटर्स का डायमेंशन देख सकते हो, यहाँ पे 23 है और यहाँ पे 28 है। और यहाँ पे रेड रेड कलर में जो मैंने डायमेंशन शो किया है वो सेंटर लाइन के डायमेंशन है। तो मैंने जो सेंटर लाइन की जो ग्रिड है वो 9 इंच की वॉल के हिसाब से लिया, जैसे कि प्लिन बीम, रूफ बीम का और प्लिन बीम जो 9 इंच की थिकनेस होता है तो उस हिसाब से लिया है। क्योंकि जो 4 इंच इनसाइड की वॉल है अगर मैं उस हिसाब से लेता तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता था, तो इस वजह से मैंने 9 इंच के हिसाब से लिया है। तो आप प्लिन बीम के हिसाब से इसको देखें। तो यहाँ पे देखिए ये जो 9 इंच का जो वॉल है जो प्लिन बीम है उसका सेंटर मैंने लिया है, जैसे कि यहाँ देख रहे होंगे 4.5 इंच। और यहाँ से इस सेंटर से इस 9 इंच की जो बीम है इसका सेंटर देखिए यहाँ पे 11 फीट 9 इंच। और इस कॉलम के पास से इस कॉलम का जो डायमेंशन है वो 15 फीट 6 इंच और रिमेनिंग 4.5 इंच, जैसे कि मैंने कहा कि इस बीम का मैंने सेंटर लिया है। तो यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ इस बीम का ही सेंटर है 4.5 इंच और इस कॉलम से इस कॉलम का जो डायमेंशन है 10 फीट 9 इंच है और यहाँ पे इस कॉलम से इस कॉलम 11 फीट 6 इंच और यहाँ पे देखिए 4.5 इंच रिमेनिंग। तो मैंने हॉरिजेंटली और वर्टिकली के डायमेंशन आपको शो किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको प्लान पसंद आया होगा, पसंद है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो इस प्लान में मैं इस वीडियो में मैंने प्लान, कॉलम लोकेशन और सेंटर लाइन के तीनों के तीनों डिटेल मैंने इसमें शो कर दिया है। उम्मीद करता हूँ ये प्लान आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो पसंद आए तो ज़रूर इसको शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जिसका नाम है डिजिट कैड एंड कंस्ट्रक्शन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्लान के साथ, कुछ नए डिटेल के साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो चलिए खुदा हाफिज़।